अररिया के लाल पूर्व डीजीपी अहसन रेजा का हुआ अभिनंदन। अररिया के बलवात गांव के रहने वाले अहसन रेजा डीजीपी पद से हुए सेवानिवृत्त। आदाब, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया प्रखंड के सहसमल पंचायत के बलवात गांव निवासी मोहम्मद अहसन रेजा के तेलंगाना डीजीपी पद से सेवानिवृत्ति के बाद अररिया टाउन हॉल में शनिवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कुलहिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित इस समारोह में जिला के नामवर शख्सियत मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता अधिवक्ता जियाउल कमर ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन अब्दुल गनी ने किया। विदित हो कि सेवानिवृत्त आईपीएस तेलंगाना के पूर्व डीजीपी मोहम्मद अहसन रेजा अररिया जिला के बलवात गांव के रहने वाले हैं, जो जिला के पहले आईपीएस हैं। वो अररिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय अलहाज खलीलुर रहमान के पुत्र हैं। उनके बारे में कार्यक्रम में मौजूद जिला भूअर्जन पदाधिकारी वसीम अक्रम, मोहम्मद फिरोज आलम, इखलाक आलम, डॉक्टर इमरान आलम, परवेज आलम, दीन रेजा अख्तर, फारूक आजम, अनवर आलम, कारी नियाज अहमद कासमी, साकिब आलम, शौकत आलम, प्रोफेसर इजहार आलम, प्रोफेसर इमाम हुसैन आदि वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद अहसन रेजा काफ़ी सरल, मृदुभाषी और गरीब परवर हैं। जहां भी रहे अपनी सरलता के लिए लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे। इस कार्यक्रम में कुलहिया बिरादरी, जिनकी आबादी बिहार में 14 लाख के करीब है, उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। साथ ही आज के समारोह में मुख्य अतिथि अहसन रेजा ने कुलहिया बिरादरी और खासकर अररिया के लोगों को विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा, अररिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, ऐसे में ज़रूरत है हम सभी लोग उनके प्रतिभा को संवारने और निखारने में अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, खुशी हुई लोगों से मिलकर और लोगों के जज्बात को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लोगों के बीच में आया हुआ हूँ और मंच साझा किया, लोगों ने अपने अपने तजुर्बात बताए, मैंने भी अपना शेयर किया, अच्छा लगा। और तो इस बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह का योगदान आपने सोचा है कि दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए? एजुकेशन में आपका कोई पर्सनल विजन है? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों को स्कूल खोलना चाहिए। अच्छा। और बैकवर्ड एरिया में खोलना चाहिए। अब शहर में तो सेचुरेशन हो गया है, हॉस्टल टाइप का एकोमोडेशन हो तो इसी बोची मदरसा है, गाँव में है और हॉस्टल नहीं चल रहा है। अगर ये हॉस्टल चलाएंगे या हर मस्जिद में मकतब चलेगा, जैसे किसी साथी ने कहा, मकतब चलेगा तो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करेंगे, वहाँ से आगे जाएंगे। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा कि मदरसे में कभी भी एक दखियानूसी पढ़ाई होती है। काफ़ी अच्छा लगा बोची मदरसा में पढ़ के। और मैंने एक साहब से, एक DEO से, उन्होंने मौलाना जो लेके आए थे उनको, उनसे मैंने कहा कि मैं उस मदरसे का प्रोडक्ट हूँ। बहुत खुश हुए भी, उनके जहन में ये था कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मानेंगे आप सोशल एक्टिविटी में रहेंगे आप, और क्या आपको कोई इरादा अलग से है कोई ऑर्गेनाइजेशन या दोस्तों से मिलेंगे ट्रस्ट बना के उसके बैनर के नीचे कुछ करना, ये कुछ है आपके प्लान? बिल्कुल है, है एनजीओ या ट्रस्ट बनाना। फाइनेंस भी देख रहा हूँ कहाँ से फाइनेंस आएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हम लोगों का यही मकसद है कि आने वाला नस्ल में जो भी अच्छे करेंगे सारे लोगों का ऐसा ही हम लोग वेलकम करेंगे। रिटायरमेंट पर भी, नौकरी मिलने पर भी कोशिश रहेगी केडीओ के तरफ से। केडीओ का फ्यूचर का प्लान क्या है? फ्यूचर का प्लान हम लोग का ये है कि केडीओ 30 हम लोग का बना हुआ है, उसके तहत जो है इसका तालीमी बेदारी के लिए और गरीब बच्चों के लिए जो उस वक्त पढ़ने में उनके गार्जियन सफल नहीं हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुलहिया भवन की बात चल रही है, वो अररिया और पूर्णिया दोनों जगह बात चल रही है, एक एक भवन हम लोग दोनों जगह रखेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए अररिया लाइव के यूट्यूब चैनल को।